दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख ने साजिद खान को बिग बॉस 16 से बाहर करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखा पत्र। भारत के सबसे लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में से एक बिग बॉस मुश्किल से 2 सप्ताह पुराना है और ये विभिन्न कारणों से सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि फिल्म निर्माता साजिद खान की भागीदारी पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। DCW प्रमुख ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर फिल्म निर्माता साजिद खान को रियलिटी शो से हटाने की मांग की है, जिसमें #MeToo आंदोलन के दौरान कई महिलाओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप है। हिंदी में मिस मालीवाल ने लिखा, #MeToo आंदोलन के दौरान 10 महिलाओं ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये सारी शिकायतें साजिद खान की घिनौनी मानसिकता को दर्शाती है। अब इस शख्स को बिग बॉस में जगह दी गई है, जो गलत है। मैंने साजिद खान को इस शो से हटाने के लिए आई अनुराग ठाकुर को लिखा है ट्विटर पर हिंदी में। कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद साजिद खान को 2018 में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उसी वर्ष उन्होंने Housefull 4 के निर्देशक के रूप में भी कदम रखा और उनकी जगह फरहाद सामजी को लिया गया। नमस्कार दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि साजिद खान को बिग बॉस से बाहर होना चाहिए या अपनी भागीदारी जारी रखनी चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज़ अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।